वैसे मैं लेना तो नहीं चाहता क्योंकि मुझे ये सूट काफी पसंद है, लेकिन इसकी फिटिंग कुछ ठीक नहीं आती है मुझे, क्योंकि बाहों से भी थोड़ा टाइट लगता है ना। ठीक कहते हैं आप, वैसे भी ये काफी पुराना हो गया है। अच्छा, शुक्र है तुम्हें भी मेरे सूट की परवाह तो होने लगी। सूट मैं कब से रहा था कि एक नया सूट ले लूं, इस बार ले ही लूंगा। इस महीने और भी बहुत से खर्चे हैं, वैसे भी हैरी सूट सस्ता नहीं आता है, कम से कम 20,000 रुपए तक तो लग ही जाएंगे। इतना महंगा सूट नहीं लेंगे हम लोग, किसी न किसी दुकान पर अपने बजट का सूट मिल जाएगा। उन्हें खरीद लेने दीजिए ना दीदी, वैसे भी ऑफिस जाने वालों को हमेशा अच्छे कपड़े ही पहनने चाहिए, वहाँ इतने सारे लोग होते हैं और मीटिंग भी होती है। अरे वाह, बिल्कुल ठीक कहा तुमने मुसाई। मुझे लगता है अगर 20,000 से कम में आ जाए तो हम खरीद सकते हैं नया सूट। 20,000 में चौकोबी के कितने डब्बे आ जाएंगे? हम पापा के सूट की बात कर रहे हैं, चौकोबी की नहीं। इतने में हम दो नई ड्रेस आ जाएंगी। ठीक कहा, हमारी दो ड्रेसेस आ जाएंगी, लेकिन इतने पैसे में हम कहीं घूमने भी तो जा सकते हैं, या फिर हम एक वीडियो गेम भी खरीद सकते हैं, उसे हम सब मिलकर खेलेंगे। मुझे एक्शन मास्क के मसाज मशीन चाहिए। कोई मुझे ये भी बता दे कि मेरा नया सूट आएगा या नहीं। हाँ, अगर तू मेरी बात मान जाती और घर पर रुककर हिमाबारी का ख्याल रखती तो कितना अच्छा होता। घर पे मसाई मौसी है ना। वैसे एक बात तो आज मेरी समझ में अच्छी तरह से आई कि चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम मेरा ध्यान बहुत रखती हो। अगर तुम पुराना सूट पहनकर चलोगे तो लोग हंसेंगे तो मुझ पर ही ना, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। देखो, सूट 5,000 तक का ही खरीदना, उससे ज्यादा का पसंद करोगे तो पैसे नहीं दूंगी। ठीक है, मैं समझ गया बिल्कुल। माम माम, मुझे बाथरूम जाना है। क्या लिफ्ट आ गई है? तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते क्या? रुक सकते, अरे अरे ठीक है, शिनचैन है ना, तुम्हें लेकर जाता हूँ, मुझसे तुम चलो, मैं इसे लेकर आता हूँ। मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया अला बहुत अच्छे। हाथ क्यों लगा रहे हो मुझे? आपको प्यार कर रहा हूँ। अरे लेकिन पहले अपने हाथ तो पहुँच बेटा। सुनिए डैड। अब क्या हुआ बोलो। मुझे लगता है एक बार फिर से बात समझाना पड़ेगा। फिर इंतजार करना पड़ेगा। शिनचैन, इतना भागो मत। ये देखिए हैरी, मैंने आपके लिए ये सूट पसंद किया है, देखिए ना कितना अच्छा है ये। इसका रंग भी अच्छा है, थोड़ा महंगा है फिर भी अच्छा है। अरे थोड़ा नहीं, ये बहुत ज्यादा महंगा है मित्सी, ये नहीं लेना। ओ अच्छा, तो फिर ये कैसा रहेगा? ये वाला कुछ खास नहीं। डैड जरा वो देखिए, अंकल का सूट तो बहुत ही अच्छा है ना। ठीक है शिनचैन, ये रंग मुझ पर भी बहुत अच्छा लगेगा ना। ठीक है। दूसरों के सूट क्यों देख रहे हैं? जल्दी से यहाँ पर देख कर बताइए कि आपको किस तरह का सूट चाहिए। मुझे मुझे वो सूट पसंद है, इसका रंग तो बढ़िया है ही, स्टाइल और कपड़ा भी कमाल का है, मैं यही सूट लूंगा। आप लेंगे तब ना जब कीमत पता लगेगी, पहले इसकी कीमत तो देखिए। 14,800 रुपए, बस ये तो बहुत सस्ता है, मिर्ची ले लेंगे। क्या सिर्फ 14,800? आपने गलत अंडिया, ये 1,48,000 का है। क्या कहती हो, 1,48,000? इतने में तो मैं पूरा वार्डरोब आ जाएगा, लेकिन कभी ना कभी तो मैं ऐसा सूट जरूर लूंगा मिर्ची, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी फिटिंग मुझे काफी अच्छी आएगी, क्या कहती हो तुम? बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, मैं कैसे ले रहा हूँ? माफ कर दीजिएगा हैरी, हम ये सूट नहीं खरीद सकते, आप जानते हैं ये हमारे बजट में नहीं है, ये काफी महंगा सूट है। मैं जानता हूँ मिस्सी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार ऐसा सूट पहनकर अपने ऑफिस जाऊँ, मजा आ जाएगा। तो फिर अपने बॉस से कहिए कि आपकी प्रमोशन कर दे ताकि आप ये महंगा सूट खरीद पाए। आपका स्वागत है, क्या आपको एक बिजनेस सूट चाहिए? डैड को वो सूट पसंद है जो अंकल ने पहना हुआ है। क्या आप कुछ सूट दिखा देंगी जो महंगे ना हो? मुझे अपने हस्बैंड के लिए चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहें। देखिए मैम, ये कैसा रहेगा? ये आपके बजट में भी आ जाएगा और इसका रंग भी आपके हस्बैंड पर बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ये लग तो बहुत बढ़िया रहा है मुझे। क्या फिर ये वाला सूट आप पर उस वाले सूट से ज्यादा अच्छा लगेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये ज्यादा अच्छा लगेगा उसे। मैंने भी शुरू में आपको यही सूट दिखाए थे लेकिन आपको पसंद नहीं आए थे। ऐसी बात है क्या? क्या मैं इस सूट को ट्राई कर सकता हूँ प्लीज? हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे आपका नाम लेना होगा। ठीक है ठीक है। सॉरी, पेन गिर गया था। मेरा भी नाम ले लीजिए ना। हाँ जरूर, क्यों
इसका नाप नहीं लेना है। कोई बात नहीं, माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। हेरी तुम सीधे खड़े हो जाओ, तभी वो नाप ले पाएगी। अब आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं सर। मैं भी चलूंगा। तुम्हें आने कोई जरूरत नहीं है बेटा, यहीं रुको। क्या, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो आप भी तो मेरे साथ चलते हैं। क्योंकि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें भी हेल्प चाहिए। जाओ मॉम के पास, मेरा इंतजार करो। क्या तैयार है सर? जी हाँ। दीदी एक बात बताओ, आपकी पसंद तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? लगता है मॉम फिर खो गए। अरे अभी तो यही थी। बेटा देख लो, क्या सूट की फिटिंग आपको सही लग रही है सर? अभी तो मैं पहन रहा था। अब इतना भी गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी इसे ट्राई करके आती हूँ। मैं तो ऐसा नहीं पहनूंगी जी। इस तरह